हेलो स्कॉर्पियोज, वेलकम टू माई चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके सितंबर मंथ की फर्दर एनर्जीज के हवाले से रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। आपसे पुन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग, देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं इस टाइम। ओके, What are the messages? What are the messages for Scorpios? What are the messages for Scorpios? Please, universe, give me the message for Scorpios for the remaining month of September. Okay, first card is here, Empress. Yes. सो आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अगर आप कोई अपना काम करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बट यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। आपको अपनी आप अपनी अपनी लाइफ में तो अबंडेंट है, बट आपको रिलेशनशिप का लॉस्ट का बहुत ज़्यादा अफसोस है। चाहे ये लव रिलेशनशिप हो, चाहे आपके फैमिली रिलेशनशिप्स हों, रिलेटिव्स हों, या कोई मदर फिगर है जिसके साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा लॉस्ट वो लॉस्ट में है। आपकी मदर के साथ आपके ताल्लुकात कुछ बेहतर नहीं हैं, या बेहतर करना चाह रहे हैं, या फिर समवन इज़ रिग्रेटिंग हियर, कोई रिग्रेट कर रहा है जो भी पास्ट में हुआ उस पर। लेकिन आप अपने सेल्फ में तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, या फिर आप अपने मदर के साथ आपके रिलेशनशिप्स में कुछ ख़राबी है या उनको ठीक करना है, आप रिग्रेट कर रहे हैं इसके लिए। ओके, वन कार्ड, अनदर कार्ड, या द मून। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हैं, या कुछ लोग खुद से मदर हैं और वो बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुके हैं। अगर आपके कुछ आपके बच्चे हैं, आपको उनको संभालना होता है, तो आपका अपना फ्यूचर, आपको आप अपने सेल्फ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस मदरहुड। आपको अपने बच्चों को संभालना है, सो इट कैन बी सिचुएशन फॉर सम ऑफ यू, लाइक कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकती है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए सिचुएशन है जो कि आपका रिलेशनशिप विद योर मदर इज़ नॉट गोइंग गुड, वो अच्छा नहीं चल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और आप बहुत ज़्यादा आपके बहुत से रिश्ते हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, जिनमें आप बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हैं। और लेकिन आप सेल्फ ग्रोथ भी चाह रहे हैं, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे भी आपका ध्यान है, लेकिन और ये आपकी सेल्फ ग्रोथ जो है वो आपकी खुद से हो नहीं पा रही है। आपको दूसरों की नर्चर का भी की भी ज़रूरत है। लोग हमारे इर्द गिर्द जो हमारे करीबी रिश्ते होते हैं वो हमें नर्चर करते हैं, तो ही हम हमारी ज़िंदगियों पर अच्छा इफेक्ट भी पड़ता है, तो भी हम खुश रहते हैं। सो या आप लुक कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, आपको कहीं से कोई न्यूज़ मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। आपकी आई है कि आई उस सिचुएशन पे लगी हुई है कि किसी तरह से ये हल हो जाए मसला, और लेकिन आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, आप अपनी हीलिंग्स पर भी काम कर रहे हैं, या आप अपने आप को हील भी कर रहे हैं, अपनी हीलिंग्स पे काम कर रहे हैं। आपको विश कर रहे हैं कि किसी न कहीं किसी तरीके से आपका ये मसला सॉल्व हो जाए। किसी मदर फिगर के साथ आपका सिचुएशन जो है वो ख़राब चल रही है, तो उसके ऊपर आप वर्क करना चाहते हैं, उसको हील करना चाहते हैं और पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, पीस ऑफ रिलेशनशिप चाहते हैं इस टाइम। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हैं, एक रेस से डील कर रहे हैं, इन द एंड ऑफ द मंथ आप कहीं ना कहीं हील कर रहे हैं, करेंगे। चाहे अगर आपके रिलेशनशिप ही हील नहीं होते, लेकिन आप मूव फॉरवर्ड कर जाएंगे अपने पीस ऑफ माइंड के लिए विद योर पार्टनर, विद योर फैमिली, इफ देयर इज अ इशू विद योर पेरेंट्स, इशूज विद योर फैमिली, तो आप मूव ऑन करना चाहते हैं इस कंफ्यूजिंग सिचुएशन से। अपनी सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ हीलिंग के लिए आपको ये करना पड़ेगा, ये स्टेप लेना होगा।
या योर रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज इज़ रिलीज योर एक्ट्स, लाइक जो भी आपको चीज़ बॉदर कर रही है, जो चीज़ें आपसे सर्व नहीं करी, हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन के साथ इन्वॉल्व थे जो कि ऑलरेडी मैरिड था और आप अब आपको उस पर्सन की तरफ से कुछ नहीं मिलने वाला, तो आप मूव ऑन कर रहे हैं, रिलीज योर एक्स, वो आपका एक्स हो चुका है। इट्स टाइम टू कम टू क्लियर योर एनर्जी, आपको अपनी जो भी पास्ट की सिचुएशन है उनको हील करके आगे बढ़ना है। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लें, हील करें, सेल्फ हीलिंग पे वर्क करें, या आप अपने ऊपर सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं और आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं फ्रॉम इन योर लाइफ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। या ट्रिपल फोर इज़ योर नंबर मैसेज, ये नंबर मैसेज दो दफ़ा आया है आपके लिए, लाइक टू टाइम्स ये कार्ड खुद से निकला है। योर एंजल्स आर गाइडिंग यू, सराउंडिंग यू एंड आंसरिंग योर प्रेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन। इट मे बी अ टाइम ऑफ स्ट्रगल बट यू आर बींग लीड इन टू द लाइट बाई योर गार्डियंस। लाइक हो सकता है आपको इस सिचुएशन में स्ट्रगल करनी पड़ रही हो, लाइक उस पर्सन के लिए जिसको आप बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, या फिर कोई मदर फिगर हैं जिनके साथ आपका रिलेशनशिप बेटर नहीं हो पा रहा, तो उस पर्सन के साथ आपका आपका स्ट्रगलिंग टाइम था, लेकिन अब आपको अपनी सेल्फ हीलिंग पे काम करना है, स्ट्रगल से निकलना है, अपनी सेल्फ हीलिंग पे काम करें, फ्री योर सेल्फ, रिलीज योर एनर्जीज, बैड एनर्जीज, और क्योंकि आपके जो भी आंसर आप जो भी प्रेयर कर रहे थे उसका आंसर आपको एंजल्स की तरफ से मिल रहा है और वो आपको प्रोटेक्ट भी करें, आपकी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करें। सो दैट वॉज योर रीडिंग स्कॉर्पियो, दैट इफ इट्स अ जनरेट यू, प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन कमेंट बिलो, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।